वेलकम बैक गर्ज टू ट्यूटोरियल नंबर 18 हमारा चल रहा है टेंथ का मैथमेटिक्स एंड एक्सरसाइज का हमारे 1.2 पॉइंट टू एंड क्वेश्चन नंबर है हमारा फोर क्वेश्चन का है गिवन दैट आई सी एफ ऑफ थ्री हंड्रेड एंड सिक्स एंड सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी सेवन नाइन है एंड एल सी एम हमें इन दो नंबर्स का निकालना है एक्चुअल में हमने जो पहले डिस्कस किया था हमने एक फार्मूला पढ़ा था आई सी एफ आई सी एफ एंड टू एल सी एम

तो हम एल्शियम जो है इन टर्म्स को इधर उधर मूव करके जिस तरह एक एज पर रूल्स होती हैं वैसे करके हम निकाल लेंगे तो ये हमारा जो है प्राइमरी जो है मोटिव रहेगा तो जिस कोर आइडिया पे हम काम करने वाले हैं वो ये है चलिए बट जे जहां तक हम ये चीज़ करें उसके उसके लिए जरूरी होता है कि हम चीज़ों की डेंटिंग पेंटिंग भी करते हैं तो ठीक है पहले हम डेंटिंग पेंटिंग ही करेंगे डेंटिंग पेंटिंग हमारी ये होती है कि हमारे पास जो गीवन है गीवन गिवन दी सी एफ ऑफ थ्री जीरो सिक्स सिक्स फाइव सेवन गिवन इसका आईसीएफ हमें दे रखा है नाइम वी हैव टू फाइंड वी हैव टू फाइंड एल सी एम हमें जो है एल सी एम निकालना होगा थ्री जीरो सिक्स एंड सिक्स फाइव सेवन का ठीक है ना एंड दो नंबर्स दो नंबर्स ऑलरेडी हमारे पास है तो जो है दो नंबर्स भी ऑलरेडी हमारे पास हैं थ्री जीरो सिक्स एंड सिक्स फाइव सेवन वी नो हम जानते ही वी नो हमें पता है हमें क्या पता है हमें बनाना होगा जहाँ पे नीचे एक ब्यूटीफुल सा बक्स ऑलरेडी मैं में इस फार्मूला के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ एंड यह जरूरी है एग्जामिनर को पता चलेगा बच्चे को तो फार्मूला तो पता था बाकी आगे क्या कर पाएगा दैट्स समथिंग डिफरेंट आप आगे एक क्वेश्चन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे आई सी एफ एंड टू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स टू नंबर्स ठीक है बच्चों क्यों मैंने इसको डिफरेंट इसका जो मतलब नहीं है आप एग्जाम के अंदर भी डिफरेंट पेन यूज करेंगे जस्ट जस्ट अट्रैक्टिव लगे आपको तो मैंने इसलिए कर दिया ठीक है ना इसको आप अलबत् बक्स इस तरह से बनाएंगे एग्जामिनर को लगेगा बच्चे ने कुछ चीज हाई हाईलाइट किया है तो चलो मैं देखता हूँ क्या दिखा रहा है मुझे ठीक है ओके गाइज एक्चुअल में कुछ बैड फीलिंग कर रहा हूँ एम सॉरी फॉर दैट चलिए आई सी एफ एन टू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अब आई सी एफ हमारे पास तो दिया है एग्जामर ने सॉरी uh, क्वेश्चन वाले ने बुक वाले ने दिया है हमें आईसी एफ थोड़ा मैं इस तिर करता हूँ आपको तो चीजें हाँ चलिए आई सी एफ इसने क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है क्वेश्चन आपको दिख रहा है कहाँ पे है ये है क्वेश्चन ये कह रहा है कि आई सी एफ आपका है नाइन तो मैंने इस आईसीएफ की जगह पे लिखूंगा मैं नाइन लिखा मैंने नाइन एंड देन हमारे पास जो है नाइन एंड एलसीएम मेरे पास नहीं है एलसीएम की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है तो मैंने एलसीएम की जगह इसी तरह रख दी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास दो नंबर ऑलरेडी दिए हुए हैं हमें तो पता है ऑलरेडी हमने भी ये फार्मूला सीखा है कि जिस जिन दो नंबर्स का आई सी एफ एंड एल सी एम होता है उन्हीं दो नंबर्स को जहाँ पर हम प्रोडक्ट में लिखते हैं तो सिक्स फाइव सेवन इन दो नंबर्स को मैंने प्रोडक्ट के अंदर लिख दिया है आर यू गार्डिंग दिस तो मैंने ऐसा कैसे कर लिया बाई सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज बाई सब्सटीट्यूटिंग सबस सब्सिट्यूटिंग वैल्यूज अब सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज को आप ये जो सब्सटीट्यूटिंग मैंने लिखा यह डिफिकल्ट नहीं है बेटा एक्चुअल में हम एक आगे लीनियर एक क्वेश्चन वाला चैप्टर है ना उसमें हम पूरा सब्सटीट्यूशन सब्सटीट्यूशन ही करते रहेंगे डोंट वरी जस्ट आप सीख लो ये चीज़ें भी होती हैं जस्ट मैंने जो है बाई सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज़ तो मुझे जो है ये वाला चीज़ यहाँ पर मिली हुई है ओके चलिए अब हमें जो है करना है इसको इसको करना है हमें सॉल्व uh, करना है तो देखिए अब देखिए जब इस तरह से इक्वेशन हमें दी होती है इन दैट केस हम ये देखते हैं हमें निकालना क्या है हमें निकालना तो इसमें यह है बाकी सब कुछ इस इक्वेशन के अंदर है तो जिस चीज को हमें निकालना होता है ना हम उसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं एल्सियम हमें निकालना है तो यह लेफ्ट साइड में है हम मैंने इधर ही रखा इसको इज इक्वल टू को मैंने अपनी जगह पर रखा एंड इसको इसको जो है मैंने थ्री जीरो सिक्स एंड टू सिक्स फाइव सेवन को मैंने अभी अपनी जगह पर रखा एंड ये वाला जो नाइन है ना मैंने इसको यहाँ से इस साइड में भेजा क्यों अगर मुझे एलसीएम निकालना है ये वाली टर्म निकालनी है तो मुझे जहाँ पे इसको अकेला करना होगा ऑलरेडी हम एट्थ से सीखते आए हैं जो इक्वेशन में हमें जो टर्म निकालनी होती है जो वैल्यू निकालनी होती है हम उसको अकेला करते हैं ठीक है ना बाकी सब कुछ हम राइट साइड में भेजते हैं और जब चीज़ें राइट साइड में जाती हैं तो वो एज़ पर रूल जाती है हमारा मल्टीप्लाइकेशन का रूल होता है अगर कोई चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो ये उधर जाकर डिवाइड में चली जाती है ठीक है ना आ, इस तरह एडिशन वाला जो रूल होता है अगर ये नाइन प्लस एल होता तो इधर ये वाला नाइन इधर जाकर माइनस हो जाता ठीक है ना ये हमारे पास जो है एक बेसिक सा रूल होता है जो आपको पता होना चाहिए आई थिंक चलिए ठीक है एल जो है अब हम इसको पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं चलिए अच्छा ये तो बात मुझे आपको बतानी ही होगी कि हमें जो है मल्टीप्लाई करने के लिए हमें जहाँ पे राफ़ करनी होती है ठीक है ना जब एग्जाम के अंदर पेपर के अंदर भी हम जो है इस तरह से इसको रफ़ करेंगे ठीक है चलिए सात छः हमारे पास हो जाएगा फोर्टी टू एंड सात जीरो ज़ीरो उसकी जगह पे आगे चार एंड देन वी हैव सात ट्वेंटी वन एंड देन वी हैव पाँच छः तीस एंड देन वी हैव पाँच या पंद्रह देन वी हैव भैया उस छत्तीसर वी विल बी राइडिंग छत्तीस एंड देन छिया अठारह आई थिंक ये जो है इसको हम मल्टीप्लीकेशन कहते हैं जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये तो आपको आनी ही चाहिए बेटा अब ये भी नहीं आएगी तो मैं क्या बोल सकता हूँ फिर, फिर चलिए जहाँ पे दो है दो की जगह पे आएगा दो और उसके बाद हमारे पास क्या बचता है जहाँ पे यहाँ पे है चार चार के नीचे हमने क्या लिखा है बेटा ज़ीरो एंड जहाँ पे तो फिर क्या आ जाएगा हमारा क्या आना चाहिए हमारे यहाँ पे चार ही आएगा कोर्स यहाँ पे आ गया हमारा चार ठीक लेट मी क्रॉस चेक दो दो अपनी जगह पे चार अपनी जगह पे ठीक है अब हमने थोड़ा उल्टा पुलटा लिख दिया है जहाँ पे एक वैल्यू बचेगी जहाँ पे वैल्यू तो बच रही है इट्स ऑल राइट चलिए तीन और एक चार और छः हमारे पास हो गए दस जीरो और एक गया हमारा जो है ऊपर कैरी फारवर्ड हो गया बेटा तो हो गए दो और एक तीन तीन और यहां पे क्या है पांच और तीन आठ एंड आठ और तीन ग्यारह लगेगा एक एक जाएगा कैरी फॉरवर्ड में तो एक और एक दो आठ और दो दस और एक और एक दो टू जीरो वन जीरो क्या आता है टू जीरो लेट मी क्रॉस चेक दैट इफ वी आर गेटिंग रॉन्ग समवेयर ठीक है क्या है टू ज़ीरो वन ज़ीरो फोर टू तो क्या मैंने लिखा टू ज़ीरो वन ज़ीरो फोर टू ये मैंने लिखा देखिए रफ करना जरूरी है ठीक है ना आंटील एंड आनल ये आप नहीं करेंगे एग्जामिनर को लगेगा बेटा आपने जो है बस रट रटा के कहीं से आ गए हो एंड लिख रहे हो एग्जामिनर जो है आपको मैथ के अंदर हर स्टेप का जो है आपको मार्क्स मिलता है इवन रफ करने का भी मिलता है ठीक है ना चलिए तो चलिए अब इसको मैं जो है इससे डिवाइड करना है तो फिर जो है मेरी एलसीएम की वैल्यू निकल आएगी अब देखिए इसके लिए जो है मैं वहाँ पर गंदा नहीं करूंगा मैं जहाँ पर जो है रफ कर रहा हूँ टू जीरो वन जीरो फोर टू डिवाइडेड बाई नाइन चलिए ना, मैं इसको इससे करूँगा बट जो है हाँ देखते हैं आ, ठीक है आ, चार पहले मैं देखूँगा नो इसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा दो और एक तीन आ, चार और तीन सात और दो नौ नो नो के टेबल में आता है इसका मतलब है नो करेगा पूरी तरह से डिवाइड चलिए सबसे पहले जहाँ पे क्या है दो है तो मैं एक नंबर को करता हूँ फिर आएगा मेरा जीरो अब दो और जीरो मिल गए हमारे पास हो गए ट्वेंटी एंड नौ दुने कितना होता है अठारह जहाँ से दो इधर चले गए हो गए इक्कीस फिर नौ दुने अठारह एंड हमारे पास बच गए तीन तीन जीरो हो जाएंगे तीस तो नोतिया मेरे पास हो जाएंगे सत्ताईस एंड यहाँ से बच गए तीस हो गए चौंतीस नोतिया सत्ताईस एंड सताईस और हमारे पास बच गए सात सात दुने हो गए बहत्तर एंड नौ सतह हमारे पास हो गए बहत्तर डबल टू डबल थ्री सेवन ये हमारा फाइनली जो है आ, हमें नंबर मिलता है सॉरी वी हैव टू एक्चुअल नौ अट्ठे बहत्तर होता है यार नौ सद तिरसठ होता है ठीक है आई एम सॉरी फॉर दैट टू टू थ्री थ्री एट तो ये बेटा हमारा है एल सी एम एंड यही चीज जो है हमें वर्स वर्स रॉन्ग गोइंग कुछ गलत हो गया हाँ एल सी एम एल सी एम है ये हमारा ठीक है ना ये है टू टू टू, टू डबल थ्री एट ये हमारा एल सी एम है आ, जो हमें निकालना था एंस आंसर तो ये हमारा क्वेश्चन था जो हमने कर दिया आई थिंक इसको स्टॉप करके हम नेक्स्ट वीडियो शू करेंगे या इसी को कंटिन्यू करेंगे आई थिंक जहाँ पे जो है हमें करना चाहिए क्या करना चाहिए चलिए अब हमें रोकेंगे इसको